क्या चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में कंपेयर करेंगे बोट के दो गेमिंग TWS को, जिसमें सबसे पहले है इमोर्टल 171 और ये लेटेस्ट में ही लॉन्च किया गया है। सेकंड है 131 और ये दोनों ही गेमिंग को डिनोट करते हैं। दोनों में आपको 40 ms की लेटेंसी मिल जाती है, लेकिन हम इस वीडियो में टेस्ट आउट करेंगे कि गेमिंग में कौन बेहतर है, किस में कितनी लेटेंसी देखने को मिलती है, साउंड क्वालिटी किसकी बेहतर है और कनेक्टिविटी में कौन बेहतर परफॉर्म करता है, और भी फीचर्स को टेस्ट आउट करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा बाय करना है। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। यहाँ 171 में राउंड शेप डिजाइन का यूज किया गया है, वहीं 131 की बात करें तो इसमें आपको हेक्सागन टाइप के डिजाइन का यूज देखने को मिल जाएगा, और दोनों ही काफी लार्ज साइज के दिए गए हैं, तो पॉकेट में आप कैरी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इशू फील होगा। दोनों में ही RGB LED लाइट का यूज किया गया, कलरफुल लाइट दी गई है, तो यहाँ आपको गेमिंग टाइप के डिजाइन का यूज देखने को मिल जाता है। बात करें इनकी बिल्ड क्वालिटी की, तो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का यूज किया गया, बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी दी गई है। दोनों में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलती है, और ये और भी बेहतर हो सकती थी। दोनों की हिंज क्वालिटी की बात करें तो हिंज क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई है। और यहाँ ईयरबड्स की बात करें तो दोनों में इन ईयर डिजाइन का यूज किया गया, दोनों ही सिमिलर डिजाइन के साथ आते हैं, दोनों में आपको बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ब्रीथ RGB LED का यूज भी किया गया है, तो क्वालिटी दोनों की काफ़ी अच्छी दी गई है। कंफर्ट फिटिंग की बात करें तो दोनों ही प्रॉपर फिटिंग प्रोवाइड करते हैं, दोनों को आप लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, पेन से रिलेटेड भी कोई इशू फील नहीं होगा। दोनों में सेफ्टी फीचर्स के लिए IPX की रेटिंग दी गई है, तो आप इन्हें जिम में वर्कआउट्स के दौरान या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी यूज कर सकते हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में ब्लूटूथ वर्जन 5.3, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, वेक एंड पेयर का फीचर्स, यानी कि दोनों को आप फास्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही चार्जिंग केस के लीड को ओपन करते हैं, ईयरबड्स आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, तो पेयरिंग दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही दी गई है, दोनों ही अच्छे से वर्क भी करते हैं, कोई खास डिफरेंस यहाँ नहीं दिया गया है। और साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों में 10 mm के ड्राइवर्स का यूज किया गया, और साउंड क्वालिटी दोनों में अच्छी सुनने को मिल जाएगी, और दोनों में क्लियर वोकल्स दिए गए हैं, और मीडियम लेवल के ट्रेवल सुनने को मिल जाएंगे, यानी कि ट्रेवल्स की क्वालिटी अच्छी दी गई है। लेकिन यहाँ मेनली डिफरेंस आता है लाउडनेस और बेस का। यहाँ 170 की बात करें तो यहाँ आप इनफ लाउडनेस दी गई है, आप फुल वॉल्यूम पर प्रीफर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड सुनने को नहीं मिलता है। बात करें 131 की तो यहाँ आप 70-80% वॉल्यूम पर ही प्रीफर कर सकते हैं, यहाँ आपको हाई लाउडनेस सुनने को मिल जाती है, आप फुल वॉल्यूम पर प्रीफर नहीं कर सकते। और बात बेस की तो यहाँ दोनों में हाई बेस दिया गया है, दोनों में बूमी टाइप का बेस सुनने को मिल जाएगा, और बेस की क्वालिटी दोनों में काफी अच्छी दी गई है। लेकिन यहाँ 131 में लाउडनेस थोड़ी ज्यादा सुनने को मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बेस भी NNC सुनने को मिलेगा, यानी काफी तगड़ा बेस दिया गया है। अगर सीधे तौर पर बात की जाए, आप लाउड में म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और आपको काफी तगड़ा बेस पसंद है, तो आप 131 के लिए जा सकते हैं। अगर आप इनफ लाउडनेस प्रीफर करते हैं और आपको मीडियम बेस से काम चल जाएगा, तो आप 171 के लिए भी जा सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है बोट इमोर्टल 131 के ईयरबड्स, और इनमें नॉइज कैंसिलेशन के लिए ENX का यूज किया गया है, और यहाँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि इन ईयरबड्स की ऑडियो क्वालिटी या फिर माइक की क्वालिटी कैसी सुनने को मिलती है। और अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग है बोट इमोर्टल 171 के ईयरबड्स से, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ भी नॉइज कैंसिलेशन के लिए ENX का ही यूज किया गया है। और यहाँ कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों में क्वाड माइक का सपोर्ट दिया गया है, दोनों में नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ नॉइज कैंसिलेशन के डिपार्टमेंट में 131 ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, क्लियर वॉइस प्रोवाइड करता है, तो कॉल क्वालिटी यहाँ 131 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी, रिसीवर एंड पर भी क्लियर वॉइस सुनने को मिल जाती है। और यहाँ 171 की बात करें तो इसमें डिसेंट कॉल क्वालिटी ही सुनने को मिलती है, और कॉल के दौरान बैकग्राउंड में थोड़ी ज़्यादा नॉइज फील होगी, और रिसीवर एंड पर भी आपको इशू देखने को मिलेगा। यहाँ रिसीवर पर्सन को ऐसा लगता है कि दबी दबी वॉइस आ रही है और थोड़ी ज़्यादा दूर से बात कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कॉल क्वालिटी के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, तो कॉलिंग के लिए आप 131 को प्रीफर कर सकते हैं। और यहाँ गेमिंग की बात करें तो दोनों में बीस्ट मोड का फीचर्स दिया गया है, दोनों में 40 ms की लेटेंसी दी गई है, जिससे कि आप गेमिंग को एंजॉय कर सकते हैं, दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करते हैं, दोनों में आपको माइनर ही लेटेंसी फील होगी। और यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों के नंबर सेम है, ये दोनों को टेस्ट आउट किया है तभी आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया है, और इन दोनों की वीडियो क्लिप भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कैजुअल यूजर हैं तो आप जरूर से इन्हें प्रीफर कर सकते हैं। और यहाँ आप अगर वायर ईयरफोन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ आपको 0 latency फील होगी,
और कंट्रोल फंक्शंस की बात करें तो दोनों के टॉप साइड में टच सेंसर का यूज किया गया, जिससे कि आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं और दोनों का ही टच काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिव और अच्छे से वर्क भी करता है। दोनों में आप सिंगल टैप करने से म्यूजिक को प्ले, पॉज एंड कॉल को आंसर कर सकते हैं, डबल टैप करने से ट्रैक को नेक्स्ट एंड प्रीवियस और साथ ही कॉल को एंड भी कर सकते हैं। दोनों में आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, तो दोनों में काफ़ी सिमिलर ही फीचर्स दिए गए हैं। और बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ बैटरी लाइफ में भी काफ़ी सिमिलरिटी दी गई हैं। दोनों में आपको 35 या फिर 36 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा अगर आप 60 या फिर 70% वॉल्यूम पर प्रीफर करेंगे। पर ईयरबड्स की बात करें तो आपको 7-8 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। और यहाँ दोनों में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, 10 मिनट चार्ज करने पर 3 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा, यानी कि फटाफट चार्ज करके भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। बैटरी लाइफ दोनों में ही काफ़ी अच्छी दी गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, इन दोनों में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। देखो बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन में दोनों ही काफ़ी बेहतर दिए गए हैं और यहाँ फीचर्स भी ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ साउंड क्वालिटी और कॉल क्वालिटी के मामले में 131 ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, तो आप 131 के लिए जा सकते हैं। और बात करें 171 की, अगर आप बैलेंस साउंड सुनना पसंद करते हैं, लाउड में म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो 171 भी एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन आपको कॉल क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो आप ये कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर सकते हैं तो आप इसके लिए भी सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।